अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानियों, क्या हाल? आप ठीक ठाक हैं? आज हम अपना जो फर्स्ट व्लॉग है वो स्टार्ट करने लगे हैं, और आज हमारा जो फर्स्ट ट्रिप है वो है फ़िशिंग का, क्योंकि मुझे फ़िशिंग बहुत पसंद है। तो मैंने समझा कि सोचा कि आपको यह फ़िशिंग ट्रिप दिखाएंगे, अमेरिका में फ़िशिंग ट्रिप कैसा होता है। तो अभी हम रास्ते में, आपको पहले व्यू दिखा लें। व्यू आ रहा है बहुत आउट क्लास, पहले वो देखें। ये इसका लॉन्ग आइलैंड का पुल है, और ये दुनिया के मोस्ट बीचेस में से एक ब्यूटीफुल बीच कंसीडर होता है। तो जब हम बोट पे जाएंगे तो आपको सारी प्रोसेस बताएंगे कि वो कैसे मछली पकड़ते हैं और मछली को साफ कैसे करते हैं। बेसिकली साफ जो है वो बोट वाले ही करते हैं। जब आप कोई चार्टर पे जाते हैं पार्टी बोट पे, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जब आप कोई भी फिश पकड़ते हैं और वो लीगल साइज में है, तो वो उसको साफ करके और उसके फिले बना के वो आपको दे देते हैं। लेकिन आप पहले ये देखें कि कैसा आउट क्लास सुबह सुबह, इस टाइम 6:30 हो रहे हैं और आउट क्लास यहाँ पे इस टाइम वेदर है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। यूजली यहाँ पे बादल होते हैं और ठंड होती है काफ़ी। गाड़ी में बैठ के ऐसे नज़र आ रहा होता कि बाहर गर्मी होगी, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो ठंडी हवा चल रही होती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आज का मौसम लकीली बहुत अच्छा है, और हमने दिन जो है वो अच्छा चूज़ किया, क्योंकि मेरी बेगम इस काम में बहुत तेज़ है। वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वेदर पे ऐप पे चेक कर रही होती है, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन बाढ़ जाने के लिए ठीक है। तो आज का दिन हमने जो है वो कंसीडर किया। जो है अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, और इस टाइम जो है इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो बोट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, और वो कितनी डिफरेंट होती हैं पाकिस्तान की बोट्स के लिहाज से। इसी के लिए वहाँ पे तो वो वुड की बनाई जाती है ना, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अमेरिका है तो जदीद सिस्टम होता है। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये जो है हमने इसका स्टार्ट कर दिया है, और ये जो है सारी बोट्स जो हैं वो तैयार हैं रेडी के लिए। थैंक यू, गुड। तो आज का जो है हमारा वो फिशिंग का जो है वो फर्स्ट सीजन है, और आज जो है 2023 का जो है वो फर्स्ट जो हम इसका आगाज कर रहे हैं। क्या बनता है हमारे साथ? ये जो है ये बोट का अंदर का हिस्सा है, यहाँ पर इन्होंने ओवन वगैरह रखे हुए हैं, अगर किसी ने कोई स्नैक्स वगैरह लेने हैं तो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये अंदर इसके बैठने की जगह है, ये सारे यहाँ पर जो है लोग बैठते हैं।
मजा का है। nice पोर्ट का दूसरा सेकंड पोर्शन है। इस पोर्शन में जो आपको रेड रेड चीज़ें नज़र आ रही है, ये लाइफ फोर्स है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी हो जाती है, कोई बंदा नीचे गिर जाता है या कोई ऐसा फ्लडेड एरिया में बंदा फंस जाता है, तो इसके लिए ये जो बोर्ड्स है ना, ये यूज़ की जाती है। और इसके अंदर जो है, ये जो वाइट से कलर के अंदर होती हैं, ये इसके अंदर होती हैं लाइफ जैकेट्स। तो जैसे कि जब भी ये बोट पर आते हैं या कोई ऐसी स्विमिंग एक्टिविटी हो, तो उनके लिए ये लोगों को वो देते हैं, लाइफ जैकेट्स देते हैं, और एज ए एमरजेंसी भी इसको यूज़ करते हैं। बोट फिशिंग हमारी ख़त्म हो गई है, अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं बीच फिशिंग, और अनफॉर्चुनेटली हमने जो है कोई फिश नहीं पकड़ी। निम्रा ने आज एक फिश पकड़ी थी, बस उसी ने एक पकड़ी है, वो अभी अंडर साइज थी तो उन्होंने दोबारा वापस पानी में फेंक दिया। अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ। पहले ये आप ये ब्रिज देख लें, ये सेकेंड ब्रिज है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था ना बोट में। तो ये बिल्कुल डीप सी है, ये भी यहाँ पर जो है मेन ओशन जो है ना, अटलांटिक ओशन, वो स्टार्ट हो जाता है। नाजरीन, ये हमने आज का शिकार किया, और ये हमारी सबसे बड़ा हार्ड टाइम दिया, लेकिन इसको पकड़ लिया है। ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमने कल शिकार जो किया था ना उसका, इसको हमने कल साफ़ किया और इसको मसाला लगाया, रात के लिए रख दिया था। तो सुबह उठ के जो है इसको फ्राई किया, सुबह तो नहीं, खैर अब तो दोपहर हो रही है।